अलादीन जिसने हम सबका चाइल्डहुड ऑसम बनाया था उसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे कि अलादीन के पापा चाइना से थे। हाइला मतलब अलादीन चाइना का माल था। और हाँ, अलादीन का जो चिराग है ना, जिसे पूरी दुनिया खोज रही है, वो भी अभी चाइना में ही है। बस चाइना वालों को पता नहीं है कि कहाँ पे है, नहीं तो अभी तक तो वो बवाल मचा देते, बवंडर ला देते और ऐसा कुछ करते जो किसी ने सोची ना होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या था अलादीन का आखिरी हुक्म, क्या वाकई में अलादीन की कहानी सच थी या फिर ये केवल एक कल्पना थी, और जानेंगे 2.5 करोड़ का एक कांड जो अलादीन के नाम पे हो गया, और जानेंगे कि जिन के सच में इतने अच्छे होते हैं जितना हमें अलादीन सीरियल में दिखाया गया था। तो इस वीडियो को देख के आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसको स्किप मत करना, और मजा ना आए तो 50 रुपए मेरी ओवर एक्टिंग के लिए काट लेना। और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से, मतलब 50 रुपए लेना और उसे कैंची से काट लेना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो जो हुक्म है मेरे आका, बोल के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी आज से लगभग 300 साल पहले सामने आई थी। किसी का मानना है कि इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर 300 साल पहले लिखा गया था, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी, और लोग इस घटना को याद रख पाए इसीलिए इसे किताब में लिखा गया था। अब देखो, लोगों को जो मानना है वो उन्हें मानने दो। हम जानते हैं कि लास्ट टाइम मतलब मरने से पहले अलादीन ने अपने चिराग को से अपने जिन्न को क्या हुक्म दिया था। अलादीन ने कहा, ऐ मेरे जिन्न, जा ऐसी जगह दफन हो जा जो तुझे चाहता हो, पाना चाहता हो उसे अपनी मौत के बाद ही मिले, ताकि तेरे जैसी ताकत से कोई ना कर सके बुराई। यही आखिरी हुक्म है मेरे भाई। वाह वाह, क्या शायरी थी। देखो, मजाक की बात नहीं है, यही अलादीन का आखिरी हुक्म था, और यकीन ना हो तो जाके अलादीन से पूछ लो। जा पूछ के। जिन्न की हकीकत। जिन्न शब्द सुनते ही आपके जेहन में अलादीन और उसका जादुई चिराग याद आता होगा। बचपन में जिन्न से जुड़ा ये कार्टून प्रोग्राम बच्चों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। जिन्न शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, इन्हें जिन्नात और जिनी भी कहा जाता है, लेकिन कुरान के अनुसार जिन्न का मतलब कुछ और ही होता है। कुरान के अनुसार जिन्नात का जो उद्गम है, मतलब जो सोर्स है, वो हवाओं से हुआ है। मतलब जिन्न का संबंध ऊपरी हवाओं से है, ये नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी। जिन्नात को हक होता है कि वो मानवों की दुनिया में दखल अंदाजी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें इंसानों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। जिन्न आपके साथ वैसा ही रिश्ता बनाता है जैसी आपकी नीयत होती है। जिन्न उतने ही खतरनाक होते हैं जितनी बुरी आपकी सोच होती है। देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत से लोग इस दुनिया में है, खासकर इंडिया में तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जिन्न से अपना इलाज तक करवाते हैं। क्या बात करते हैं यार, और ठीक भी हो जाते हैं। एनीवे, मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक होते हैं या नहीं, लेकिन लोग कराते हैं इतना मुझे जरूर पता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और इसी चक्कर में एक डॉक्टर जिनका नाम था लईक अहमद, उनके 2.5 करोड़ रुपए फूक गए। मतलब जिन्न के नाम पे उनका पोपट बन गया। जानना है आगे, देखो। एक अलादीन था जिसको ये पता था कि उसके पास जो चिराग है उसे रगड़ने से जिन्न प्रकट होता है, लेकिन मेरठ के एक डॉक्टर है जिनका नाम है लईक अहमद, उन्हें अभी पता चला कि जिन्न का चिराग रगड़ने से 2.5 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं। लईक अहमद जो थे वो पेशे से डॉक्टर थे। इकरामुद्दीन नाम का एक पेशेंट उनके पास आया, उन्होंने उसकी माँ का इलाज किया और माँ को ठीक भी कर दिया, लेकिन इकरामुद्दीन ने उनको चूना लगाने की सोची और उनको बताया एक जादुई चिराग के बारे में। 25 दिन में पैसा डबल। डॉक्टर अहमद तो पढ़े लिखे थे भैया, उल्लू कैसे बन जाते, उन्होंने कहा करके दिखाओ, और इकरामुद्दीन ने उनके 5 लाख रुपए को चिराग से 7 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जिन्न नहीं हो गया भैया, आलू को सोना में बदलने वाली मशीन हो गया। इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, मस्त प्लान है। और बस यहीं पर अपने डॉक्टर अहमद फंस गए। उन्होंने दे दी इकरामुद्दीन को 2.5 करोड़ रुपए और उसका इकरामुद्दीन गायब हो गया, जैसे आजकल अलादीन का चिराग गायब है, बिल्कुल वैसे ही। ये घटना है 2020 की, ये सच्ची घटना है, मेरठ में हुई थी। बाद में पुलिस ने इकरामुद्दीन को पकड़ भी लिया, और उसके बाद पता चला कि इकरामुद्दीन ने पता नहीं कितने सारे लोगों को अलादीन के चिराग के नाम पे चूना लगाया था। तो भैया, अगर आप गौरव कटारे को सब्सक्राइब करके रखे हो तो कोई आपको ऐसा चूना नहीं लगा सकता, लगा भी सकता है भैया, क्या पता वो ज्यादा इंटेलिजेंट। ओ चूना लगा दिया। देखो, ये कहानी सच है या कल्पना, इसका कोई सबूत नहीं, क्योंकि ना आज तक अलादीन का वो महल मिला, ना उसके राज्य का कुछ पता, और ना ही उसके वंशज के बारे में कोई जानकारी है। क्योंकि अलादीन अगर सच में होता तो उसके खानदान का कोई ना कोई तो बचता, अलादीन के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे, लेकिन अलादीन का खानदान
साफ। दूसरी बात सोचने की यह है कि अलादीन ने अपने आखिरी हुक्म में मरने से पहले चिराग को गायब होने के लिए क्यों कहा। वो जिन्न से खुद को अमर भी तो करवा सकता था, अब उसने ऐसा क्यों किया गॉड नोज, लेकिन उसने जो भी किया अच्छा ही किया, क्योंकि अगर आज के जमाने में अलादीन का चिराग होता तो भैया उसके लिए वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अलादीन का चिराग उस जगह दफन है जहां उसके पिता की कब्र थी, और वो जगह है चाइना में। और अगर कोई चाइना का चाइनू ये वीडियो देख रहा है तो भाई चिराग खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम चाइना वालों ने पहले ही बहुत बवाल मचा के रखा है। भाई ऐसा नो, चाइना वाले उठवा ले मेरे को। अरेबियन नाइट की बुक की ये एक कहानी है जिसका नाम है अलादीन का चिराग। इस किताब में कुल 1001 कहानियां थी, लेकिन अलादीन की कहानी सबसे ज्यादा फेमस है और उसके पीछे एक रीजन है। इस कहानी में वो बताया गया है जिस पर इंसान विश्वास करना चाहता है। इंसान चाहता है कि उसे कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिससे वो रातों रात करोड़पति बन जाए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई जादुई छड़ी तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने एक जादुई शक्ति हर इंसान को दी है। उसके लिए किसी चिराग या जिन्न की जरूरत नहीं पड़ती। असली शक्ति आपके अंदर है, आप जो चाहो जो ठान लो वो कर सकते हो, वो पा सकते हो। भैया बहुत मोटिवेशन दे दिया हमने आज के वीडियो में, तो यार जल्दी से चिराग को घिसो, आई मीन टू से लाइक के बटन को घिसो, सब्सक्राइब के बटन को घिसो, और जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो। मेरे पास चिराग तो है नहीं, उससे मांग लूं 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तुम लोग ही हो यार, जल्दी से मेरी विश पूरी कर दो। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।